शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने कहा कि उपचुनाव की नजदीकियों को देखते हुए भाजपा इन चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए ओछे हथकंडे अपना रही है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का दौरा भी आगामी उपचुनाव को देखते हुए प्रायोजित किया गया है। केंद्रीय मंत्री द्वारा पहले भी कई घोषणाएं की गई थी जो केवल कागजों तक ही सिमट कर रह गई है। कांग्रेस के प्रदेशाध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी के प्रदेश दौरे को आगामी उपचुनाव को देखते हुए पूर्व से प्रायोजित करार दिया। शिमला में पत्रकार वार्ता के दौरान कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि पूर्व में भी 69 राष्ट्रीय उच्च मार्ग निर्माण की घोषणा की गई थी जो आज तक धरातल पर नहीं उतर पाए हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री केवल मूकदर्शक बनकर रह गए हैं जबकि उनके मंत्री मनमर्जी पर उतर आए हैं। उन्होंने कहा कि आगामी एक सप्ताह को कांग्रेस पार्टी विरोध के सप्ताह के रूप में मनाएगी जिसकी शुरुआत शिमला जिला के नारकंडा से की जाएगी। राठौर ने प्रदेश व केंद्र सरकार की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। कुलदीप सिंह राठौर ने कहा कि उपचुनाव की नजदीकियों को देखते हुए भाजपा इन चुनाव में जीत दर्ज करने के लिए अब ओछे हथकंडे अपना रही है, क्योंकि अगले वर्ष हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से एक वर्ष पूर्व और जबकि तीन उपचुनाव होने हैं, मंडी संसदीय क्षेत्र, फतेहपुर विधानसभा क्षेत्र और जुब्बलकोट खाई विधानसभा क्षेत्र। मैं एक प्रश्न माननीय नितिन गडकरी जी से पूछना चाहता हूं कि विधानसभा चुनाव से पूर्व 69 जो NH है उन परियोजनाओं की उन्होंने घोषणा की थी, पैसा भी आवंटित हो गया था और आज विधानसभा का चुनाव आने वाला है, कितनी प्रोग्रेस हुई ये हम जानना चाहते हैं। कई जगह पे तो DPR ही नहीं बनी और पिछले दिनों बयान आया कि हमने इन परियोजनाओं को जो है कैंसिल कर दिया। सबसे पहले नितिन गडकरी जी, केंद्र सरकार, ये जो परियोजनाएं 69 जो नेशनल हाईवेज, इस बारे में श्वेत पत्र जारी करें क्योंकि प्रदेश की जनता को जानने का हक है किन परियोजनाओं का क्या हुआ और क्या कारण रहे कि इन परियोजनाओं को कैंसिल कर दिया गया। देखिए, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ परोसा जा रहा है और हिमाचल की भोली वाली जनता को बेवकूफ बनाने का प्रयास हो रहा है। इस दौरान उन्होंने सिंचाई एवं बागवानी मंत्री की कार्यप्रणाली पर भी निशाना साधा, उन्होंने बागवान विरोधी करार दिया है। कुलदीप सिंह राठौर ने कुल्लू में पुलिस अधिकारियों के बीच हुई झड़प को भी दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। जो उनका काम करने का तरीका रहा है उन पर पहले भी आरोप लगते रहे और मैं चुनौती देता हूं महेंद्र सिंह को कि अपने कपड़ों के अंदर रहे। अगर अपने कपड़ों के बाहर आने का प्रयास किया तो बेइज्जती उनकी भी होगी और हम उन्हें पूरी तरह बेनकाब करेंगे। हम पूरा प्रिपेयर कर रहे हैं, पूरा उनका जो चिट्ठा है हम प्रिपेयर कर रहे हैं और मुख्यमंत्री के पास क्या कोई दूसरा मंत्री नहीं है, हर जगह उन्हें भेज देते हैं, जनता के बीच में अधिकारियों को डराते हैं, धमकाते हैं। देखिए, एक नियम है, एक कायदा है, अगर कोई अधिकारी काम नहीं कर रहा आप नियम के मुताबिक कार्रवाई कीजिए, लेकिन आप जनता के बीच में एक अधिकारी को बेइज्जत करते हैं, यह अधिकार आपको लोकतंत्र में किसने दिया है? ये मेरी कड़ी चुनौती आप लोगों की मार्फत प्रदेश के बागवानी मंत्री को। और हमने निर्णय लिया है हिमाचल में जिस ढंग से किसानों और बागवानों की अनदेखी हो रही है, चाहे बागवान हो चाहे हमारे मैदानी क्षेत्रों के किसान हो, सेब की फसलें बर्बाद होगी, गेहूं की फसलें बर्बाद होगी, सरकार ने क्या किया, खादों के रेट बढ़ा दिए, आज फंगसाइड, पेस्टिसाइड,
फर्टिलाइजर महंगा बिक रहा है। क्या किया सरकार ने किसानों के लिए? ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।